दोस्तों क्या आप जानते हैं दिल्ली हमेशा से एक यूनियन टेरिटरी नहीं है बल्कि इंडिपेंडेंस के बाद दिल्ली की शुरुआत एक राज्य के तौर पर हुई थी। 27 मार्च 1952 को दिल्ली के पहले इलेक्शंस हुए जहां उस समय दिल्ली के पास 48 सीट्स थी और कांग्रेस के चौधरी ब्रह्म प्रकाश ने 39 सीट्स जीतकर दिल्ली सीएम होने का पद संभाला था। लेकिन 1956 के फेमस स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत दिल्ली का स्टेटहुड खत्म कर दिया गया और उसे एक यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिल गया। अगर आप नहीं जानते तो आसान भाषा में दिल्ली या फिर एनसीटी के लिए स्टेटहुड का मतलब होगा अपनी खुद की इलेक्टोरेट गवर्नमेंट, जहां पर दिल्ली सरकार के पास आज से कहीं ज्यादा डिसीजन मेकिंग पावर्स होंगी फॉर इश्यूज लाइक लॉ एंड ऑर्डर, लैंड एक्विजिशन एंड पब्लिक सर्विसेज। 1993 में दिल्ली को 69th अमेंडमेंट एक्ट के तहत नेशनल कैपिटल टेरिटरी यानी एनसीटी ऑफ दिल्ली के नाम दे दिया गया और इसी अमेंडमेंट की वजह से दिल्ली को पार्शियल स्टेटहुड दिया गया।